مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान कसीदा बुरदा शरीफ में एक बार फिर हाजिर हैं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिले में शामिल रहने की कोशिश फरमाइए फरमाने मुस्तफ़ी सल्ला वसल्लम जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा

एक सौ बयालीस अशार उनका तर्जमा उनसे मतलक़ा मदानी फूल आज से कबल के सिलसिलों में जिक्र किए जा चुके हैं इनशाला सवजल आज के सिलसिले में कसीदा बुरदा शरीफ के शेयर नंबर एक सौ तैंतालीस और एक सौ चवालीस इनका तर्जमा और इनसे से मुतलक मदनी फूल विक्र करने की कोशिश की जाएगी अल्लाह तबारा का सदक़े के दिन की शान में ये कसीदा लिखा गया है हम सब के गुना मुआफ़ फरमाए हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए कसीदा बुरदा शरीफ के शेर नंबर एक सौ तैतालीस में साहिब कसीदा हजरत सैदुना इमाम बुसीरी शाफी अलह रहमत कवि ज़िक्र करते हैं फ़या खसारत नफसी फी तिहा तो लम तशतरी दीन अबी दुनिया या वम तासूमी मिठूर प्यारे इस्लामी भईया और मादरी चैनल के नाजरीन शेर के आगाज़ में या को ज़िक्र किया गया है और या अरबी ज़बान के हरूफ निदा में से है हर जबान में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ होते हैं कि जिनके ज़रिए दूसरों को मुतवज मुख़ातब किया जाता है तो अरबी ज़बान में या ये उन उनूफ़ में से है कि जिन के ज़रिए दूसरों को मुख़ातब किया जाता है खसारा इसका मतलब होता है नुकसान घाटा नफ़सी मेरे नफ्स का फी तजार हा इसकी तिजारत में लम तशतरी दीना अफसोस के तू ने दीन ना खरीदा बे दुनिया दुनिया के बस यानी दुनिया को छोड़कर दीन ना खरीदा वलम तासुमी ये सौमन मसदर से है और सौम का मतलब होता है कीमत लगाना तखमी करना तो लम तासुमी का मतलब तूने कीमत ना लगाई यानी ख़रीदने में ग़ौर ना किया मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भैया और मदरी चैनल के नादरीन इस शेर का तर्जमा ये है अफसोस मेरी जान खसारे में गई कि इसने दुनिया छोड़कर दीन ना खरीदा और ना खरीदने पर गौर किया तो गोया साहिब कसीदा तंबी फरमा रहे हैं कि ए खसारा उठाने वाले नफ्स ए घाटे में रहने वाली जान आ अभी वक्त है तेरी तिजारत में अगरचि अब तक तूने दुनिया पर दीन को पसंद न किया और फ़ानी के बदले बाकी को ना खरीदा अगर अब भी तहसील दीन और तरक दुनिया ना करेगा तो फिर कब वक्त आएगा आ और हुसन नीयत और के कसद के साथ दीन को ले ले दुनिया को छोड़ दे इस अगले शेर में साहिब कसीदा फरमाते हैं आज यबे आजिलम हु आजिली यबिलहुल गबनु फी, फी सलामी यबे असल में यबी ओ था लेकिन शर्त के मौके पर वाक होने की वजह से इसके आखिर में जज्म आ गई तो यबे का मतलब वो बेचता है आजिलन इसका मतलब मोहलत कुछ देर में मिलने वाली चीज़ या उधार और यहाँ शेर बे मुराद इससे शवाब आखिरत है और आजिल आइन के साथ हो तो इसका मतलब जल्दी मिलने वाली चीज़ और मुराद यहाँ पर दुनिया है यबिन इसका मतलब जाहिर होगा लहू उसके लिए और गबन का मतलब होता है नुकसान खसारा और घाटा फी बे इन हर बे में हर तिजारत में तो हर तिजारत में और बेसलम में भी ऐसे शख्स को खसारा और घाटा होगा मीठे और प्यारे इस्लामी भैया और मदरी चैनल के नाजरीन कसीदा बुरदा शरीफ के शेयर नंबर एक सौ चवालीस का तर्जमा ये है जो शख्स आखिरत को दुनिया के इवज़ बेचे उसको नुकसान ज़ाहिर होगा जो शख्स आखिरत को दुनिया के बदले फरोख्त करे बेचे वो ख़सारे में होगा उसके लिए नुकसान ज़ाहिर होगा बे वजूद मबी पर हो या बे मऊद यानी बेसलम हो कि जिसमें पैसे नकद दिए जाते हैं और मबी उधार लिया जाता है तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों इन दोनों अशार में बे के हवाले से कुछ असिलाहत जिक्र की गई हैं आइए अशार को सहल करने समझने की नीयत से उन इस्तेलाहात से मुतल मदनी फूल ले लेते साहिब कसीदा ने इन दोनों अशार में बै का जिक्र किया तो मेरे बेटे और प्यारी इस्लामी भाइयों बै का मतलब होता है खरीदो फरोख्त करना और दावत इस्लामी के अशाती इदारे में मदीना की मतबूआ बहार शरीयत जिल दो सफहा पंद्रह पर बै की तारीफ ये लिखी गई है कि दो शख़्सों का बहम माल को माल से एक मखसूस सूरत के साथ तबादला करना बै कहलाता है बै सलम क्या होती है तो बै सलम वो बै है जिसमें समन यानी कीमत फौरन अदा करना ज़रूरी हो और मबी यानी जिस चीज को फरोख्त किया गया है वो बाद में ख़रीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाजिम तो गोया मुख्तर ये कि बैसलम वो है जिसमें कीमत कैश दी जाती है नक़द दी जाती है और जो चीज़ खरीदी गई है वो बाद में ख़रीदार को दी जाएगी मीठे बेटे और प्यारी स्लामी भाइयों इसी तरह ब शरफ़ ये वो बे होती है कि जिसमें समन को समन के बदले बेचा जाता है समन की दो किस्में हैं एक समने खिलकी या हकीकी है और दूसरा समने ग़ैर हकीकी या गैर खिलकी तो समने हकीकी से मुराद सोना चांदी है और समने ग़ैर हकीकी से मुराद रुपया पैसा है तो रुपए पैसे को भी एक दूसरे के साथ बेचा ख़रीदा जा सकता है सोना चांदी को भी एक दूसरे के बदले ख़रीदा बेचा जा सकता है तो सोने की सोने के बदले चांदी की चांदी के बदले या करंसी की करेंसी के बदले जो बय हो उसको बय सर्फ़ कहा जाता है अलबतः ये याद रहे कि जिन्स मतहद होने की सूरत में मकदार में तफ़ावत हराम है जैसे सोने को सोने के बदले ख़रीदा बेचा जा रहा है तो दोनों की मकदार यानी वज़न एक जितना होना चाहिए अगर वजन में फ़र्क होगा तो ये सूद होगा रिबा है हराम है इसी तरह चांदी को चांदी के बदले ख़रीदा बेचा जा रहा है तो चाहे एक तरफ काम है दूसरी तरफ जेवर है तो इनकी फ़र्क के साथ बे करना यानी एक तरफ चांदी ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो तो ये भी हराम है रिबा है सूद है मिठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदारी चैनल के नाजरीन इसी तरह एक बे होती है जिसको बः मुखा अदा कहते हैं इससे मुराद वो बे है कि जिसमें दोनों तरफ एन हो यानी तबादला गैर नकूद हो नकदी के साथ बे नहीं होगी दोनों तरफ ही चीज़ का एन होगा उसकी असल होगी जैसे गुलाम को घोड़े के बदले में बेचना तो गुलाम भी एन है घोड़ा भी एन है एन से मुराद उस चीज की रात यानी रात को जात के बदले में खरीदा बेचा जा रहा है तो बे से मुराद वो बे है जिसमें दोनों तरफ एन हो अल हबीब सल्लल्लाहु सल्ला तला मुहमद सल्ला तसल मदनी चैनल के नाजरीन आज के सिलसिले में कसीदा बुरदा शरीफ के जो दो अशार शामिल सिलसिला हैं इन दोनों अशार का मरकज़ी ख्याल ये है कि इन अशार में साहिब कसीदा ने दुनिया की मजम्मत की है तो दुनिया क्या है कौन सी दुनिया मजमूम है कौन सी दुनिया महमूद है आइए इस हवाले से भी हम कुछ मदनी फूल लेने की कोशिश करते हैं चुनाचे मेरे शेख तरीकत अमीर आहल सुन्नत दामद बरक़ात मलालिया की शोहरा आफात तसनी़ फैज़ान सुन्नत के बाब नेकी की दावत के सफहा 260 सौ साठ था दो सौ उनहत्तर तकरीबन इन दस सफहात पर अमीर आल सुन्नत दामद बरकतु मलालिया ने दुनिया के हवाले से बहुत प्यारे मादनी फूल विकर फरमाए तो दुनिया का माना क्या है मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मादनी चैनल के नाजरीन दुनिया का नबी माना है करीब नियर करीब और दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि ये आखिरत की नस्बत इंसान के ज्यादा करीब है या इस वजह से कि ये अपनी ख्वाहिशात लज्जात के सबब दिल के ज्यादा करीब है तो ये तो दुनिया का लोग भी माना है दुनिया है क्या हजरत सैदुना बदरुद्दीन ऐनी हनाफी अले ही रहा बुखारी शरीफ की शरह उमदतुल्कारी जिलदेग सफ़ा बावन पर लिखते हैं दार आखिरत से पहले तमाम मखलूक दुनिया है आखिरत से कबल जो भी चीज़ें पैदा की गई हैं मखलूक से मुराद पैदा की हुई चीज़ आखिरत से पहले तमाम मखलूक यानी पैदा की हुई चीज़ें दुनिया है बस इस एतबार से सोना चांदी और उनसे खरीदी जाने वाली तमाम जरूरी और गैर जरूरी अशिया दुनिया में दाखिल है मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदरी चैनल के नाजरीन क्या दुनिया महमूद भी हो सकती है या दुनिया की मजम्मत ही है तो याद रखें कि दुनिया की हर चीज मजमूम नहीं बल्कि दुनियावी अशिया की तीन किस्में हैं नंबर एक वो दुनियावी अशिया जो आखिरत में साथ देती और इनका नफा मौत के बाद भी मिलता है ऐसी चीज़ें सिर्फ दो हैं इल्म अमल तो अमल से मुराद ये है कि इखलास के साथ अल्लाह तबारा का वाले की इबादत करना और दुनिया की ये किस्म महमूद है बहुत पसंदीदा है बहुत उम्दा है तो इल्म दीन ये सीखा जाए तो ज़ाहिर दुनिया में रहकर ही सीखा जाएगा तो इल्म दीन अच्छी नीयत के साथ सीखा जाना यह भी महमूद दुनिया है और अमल करना नमाज पढ़ना ज़क़़त देना हज करना रमज़ान के रोज़े रखना कुरान शरीफ़ की तिलावत करना नेकी की दावत देना सदका व खैरात करना ये महमूद दुनिया है। क्योंकि ये किए हुए अमल अगर आखिरत के लिए किए गए हैं तो इनका नफ़ा मौत के बाद इंशाल्लाह मिलता रहेगा दूसरी दुनिया वो चीज़ें हैं कि जिनका फ़ायदा सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है आखिरत में उनका कोई फल नहीं मिलता जैसे गुनाहों से लज्जत हासिल करना जायज़ चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाना मसला ज़मीन जायदाद सोना चांदी उम्दा कपड़े अच्छे अच्छे खाने और ये दुनिया की मजमूम यानी काबिल मजम्मत किस्म में शामिल है नंबर तीन वो अशिया जो नेकियों पर मददगार हो, जैसे ज़रूरी ग़ा जरूरी कपड़े तो यह किस्म भी महमूद है यानी अच्छी है लेकिन अगर महज दुनिया का फौरी फायदा और लज्जत मकसूद हो तो अब यह दुनिया मजमूम दुनिया कहलाएगी दुनिया के नजारों से भला क्या हो सरोकार उशाक शाक को बस इश्क है गुलजार नबी से तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भैयाओ और मदनी चैनल के नाजरीन आइए हम यह भी सीख लेते हैं कि दुनिया का कौन सा काम अल्लाह के लिए है और कौन सा काम अल्लाह ताला के लिए नहीं है तो दुनियावी कामों की तीन किस्में नंबर एक बाद काम वो हैं कि जिनके बारे में यह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये अल्लाह ताला के लिए किए गए हैं मसलन नाजायज़ व हराम काम जैसे जुआ खेलना शराब पीना बदकारी करना ये तमाम वो काम हैं कि इनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये अल्लाह तबारा का तआला के लिए किए गए नंबर दो बाद वो हैं कि जो अल्लाह के लिए भी हो सकते हैं और उसके गैर के लिए भी मसलन ग़ौर तफक्कुर करना और ख्वाहत से रुकना क्योंकि अगर लोगों में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए और बुज़ुर्गी के हुसूल की खातिर गौर वफिक्र किया या ख्वाहत को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि माल की बचत हो या सेहत अच्छी रहे तो अब ये काम रिजाए इलाही के लिए ना होंगे नंबर तीन बाद काम वो हैं जो बाहर नफ्स के लिए हों मगर हकीकत में अल्लाह ताला की रजा की नीयत से किए गए जैसे गिजा खाना निकाह करना ताज शाही उसके आगे हैज है ताज शाही उसके आगे हैज है मुस्तफा की जिसको उल्फत मिल गई मेरे मिठे मिठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनियादार किसे कहते हैं क्या दुनिया में बसने वाला हर शख्स दुनियादार है तो दुनियादार की तारीफ क्या है बहुत तवज्जो से समाज फरमाए जब बंदा आखिरत की बेहतरी की गरज से दुनिया में से कुछ लेगा जब बंदा आखिरत की बेहतरी की गरज से दुनिया में से कुछ लेगा तो उसे दुनियादार नहीं कहेंगे बल्कि उसके हक में दुनिया आखिरत की खेती होगी और अगर झाती ख्वाहिश और हसूल लज्जत के लिए ये चीज़ें हासिल करता है तो ऐसा शख्स दुनियादार है मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन दुनिया में हकीकी लज्जत किसी शह में नहीं अलबतः लोग तकालीफ का खातिमा करने वाली चीज़ों को लज्जत का नाम देते हैं मसला खाने में इसलिए लज्जत है कि वो भूख की तकलीफ को ख़त्म करता है यही वजह है कि जब भूख खत्म हो जाए तो खाने में लज्जत महसूस नहीं होती इसी तरह पानी इसलिए लजीज लगता है कि प्यास को ख़त्म करता है जब प्यास बुझ गई तो लज्जत भी जाती रही हकीकी लज्जतें दुनिया में नहीं हकीकी लज्जतें तो जन्नत में नसीब होंगी क्योंकि आहले जन्नत को जब कोई तकलीफ ही नहीं होगी तो इससे छुटकारा देने वाली अशिया का वजूद कहां से होगा गोया जन्नत में कोई तकलीफ नहीं तो हकीकी लज्जत जन्नत में नसीब होगी लिहाजा उनकी लज्जात हकीकी होंगी मसलन उनके खाने पीने की लज्जतें असली होंगी महज भूख और प्यास खत्म करने के लिए नहीं होंगी मेरे मिठे मिठे और प्यारे स्मी भाइयों और मदनी चैनल के नाजीरियन अब हम ये तय कर लें कि हमने दुनिया से कुछ लेना है तो वही लें कि जो हमारी आखिरत के लिए फ़ायदा मंद दुनिया से वो अशिया लेने के हवाले से एहतियात बरतें कि जिनकी वजह से हमारी आखिरत में हमें खसारा और नुकसान हो सकता है तो दुनिया इसमें धोखा भी है जो दुनिया में मुनहमिक हो जाता है ऐसा शख्स आखिरत से गाफिल हो जाता है तो जहां दुनिया की मजम्मत बयान की गई है इससे मुराद मजमूम दुनिया है महमूद दुनिया मुराद नहीं तो रहमत आलम नूर मुजस्म सल्ला तसल् का फरमान मज़म है कि दुनिया मीठी सरसब्ज है जो इसमें हलाल तरीके से माल कमाता है और सही हुकूक में खर्च करता है अल्लाह वजल्ला उसको सवाब सवाबता फरमाएगा और उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जो इसमें हराम तरीके से माल कमाता है और उसको गैर हक में खर्च करता है अल्लाह वजल उसको दारुल हवान यानी दिल्लत के घर में दाखिल फरमाएगा और हजरत अलामा अब्दुलरऊफ मनावी रहत कवी इस अदीस पाक के तहत फैजुल कदीर में तहरीर फरमाते हैं मालूम हुआ कि दुनिया फ़ी नफसी ही मजमूम नहीं यानी दरअसल हकीकत दुनिया मजमूम नहीं क्योंकि ये आखिरत की खेती है इसलिए जो शख्स शरीयत की इजाज़त से दुनिया की कोई चीज़ हासिल करे तो ये चीज़ आखिरत में उसकी मदद करती अलबत्त जो दुनिया से वो चीज़ ले कि जिसमें उसकी आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं तो ऐसी दुनिया महमूद नहीं उसके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। मीठे बैठे और प्यारी इस्लामी भईय और मदरी चैनल के नाजरीन दुनिया के कौन से काम ऐसे हैं जो बेहतरीन है? आइए बहुत तोज्जो के साथ समाध फरमाइए सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम ने इशात फरमाया कि दुनिया और जो कुछ इसमें है मलऊन यानी लानती है। सिवाए नेकी का हुक्म देने या बुराई से मना करने या अल्लाह जला का जिक्र करने के इस हदीस पात के तहत फैजुल कदीर में अब्दुल राउफ मनावी कवी ताहिर फरमाते हैं कि बिलाशुबा यह काम यानी नेकी का हुक्म करना बुराई से मना करना और जिक्रुल्लाह अगरचे दुनिया ही में किए जाते हैं लेकिन यह दुनियावी काम नहीं बल्कि यह तो आमाल आखिरत है जो कि जन्नत की नेमतों तक पहुंचाने का वसीला है लिहाजा हर वो काम जिससे अल्लाह को राजी करना मकसूद हो वो इस लानत से मुस्तना यानी अलग है तो हर वो काम जिसके करने का मकसद ही अल्लाह को राजी करना हो जल्ला जलालू तो वो इस लानत से इस वाइद से मुस्तना है सुल्तान मदीना करारे कल्बोसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बा करीना है सुन तिरमीजी हदीस बाग नंबर दो हजार तीन सौ उनतीस फरमाया होशियार रहो दुनिया लानती चीज है और जो कुछ दुनिया में है वो मलओन है सिवाय अल्लाह ताला के तिक्र और उस चीज के जो रब ताला के करीब कर दे और आलिम और तालिब इल्म के मुफसर शहर हकीमत मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतान इस हदीत पात के तहत फरमाते हैं जो चीज़ अल्लाह और रसूल से गाफिल कर दे वो दुनिया है या जो अल्लाह और रसूल की नाराजी का सबब हो वो दुनिया है बाल बच्चों की परवरिश करना गज़ा खाना लिबास पहनना घर में रहना घर बनाना वगैरह अगर शरीयत की नाफ़रमानी से बचते हुए हो तो ये काम करना सुन्नत अंबिया किराम है ये मजमूम दुनिया नहीं मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजीन याद रखें कि दुनिया के अंदर हद से ज्यादा मुन हमें को जाना मालो दौलत बढ़ाने के दिन रात सुहाने सपने देखना इसके लिए प्लानिंग करना महज तफाखुर के लिए दूसरों से आगे बढ़ने की नीयत से दूसरों पर फख्र तकबुर बड़ाई जताने के लिए माल कमाना दुनिया बनाना ये कत अन महमूद नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा इसी से सिकंदर सफाते बिहारा तो जो माल बढ़ाने के हवाले से हलालो हराम की तमीज खत्म कर देते हैं उनको गौर करना चाहिए और जो हलाल माल भी जरूरत से जायद अच्छी नीयत से नहीं बनाते अच्छी नीयत से नहीं कमाते उनको भी गौर करना चाहिए कि अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा इसी से सिकंदर सफाते बिहारा हर इक ले के क्या क्या ना हसरत सधारा पड़ा रह गया सब यूही ठाट सारा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है मेरे मीठे मीठे और प्यारी इस्लामी भाई और मादनी चैनल के नाजरीन हरगिज इस वसवसे को जहन में मत जमाइए कि हम मुसलमान होकर दुनिया की बहुत सारी नेमतों से महरूम और बेहाल हैं, जबकि गैर मुस्लिम कौम में दुनियावी तौर पर नहायती खुशहाल और माला माल है यकीन रखिए कि मुसलमानों के लिए जन्नत की आबादी यानी हमेशा हमेशा रहने वाली नमतें जबकि गैर मुस्लिमों के लिए मरने के बाद कोई राहत नहीं उनके लिए आखिरत में भड़कती आग और जहन्नम का दायमी यानी हमेशगी का अजाब है तो मेरे मिट्टी और प्यारे इस्लामी भाइयों, गैर मुस्लिमों की दुनियावी तरक्कियां और दौलत की फरावानियां यानी माल की कसरत का यह काबिल रश्क नहीं गरीब और तंग दस्त और दुखियारे मुसलमानों की में ईद होगी। नेक मुसलमान को अपनी ख्वाहिश की अशिया न मिलने पर दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए और गुनाहों में डूबे रहने वालों की हर पूरी होती चली जाना भलाई की दलील नहीं खतरे की घंटी है जैसा कि हजरत सैयद रजी अल्लाह से रिवायत है नबी अक्रम नूर मुजस्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है जब तुम देखो कि अल्लाह अज् वजल दुनिया में गुनाहगार बंदे को वो चीजें दे रहा है जो उसे यानी उस बंदे को पसंद है तो ये उसकी तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से ढील है हुकूमत की तलब दिल में ना खाश ताज शाही की हुकूमत की तलब दिल में न खाश ताज शाही की नज़र में आशिकों के बस मदीना ही समाता है मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदरी चैनल के नाजरीन ख़ुद को दुनिया की महब्बत से बचाने यानी मजमूम दुनिया से बचाने नकी का जज्बा बढ़ाने फिक्र आखिरत पाने और ख़ुद को सुन्नतों का फराइज वाजबात का बल्कि मस्तबात का भी आदि बनाने के लिए दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे मदानी माहौल से वाबस्ता हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अजल दावत इस्लामी के मदानी माहौल की बरकत से माशरे के बिगड़े हुए सुधर जाते चुनाचे महारा शटर हिंद के एक इस्लामी भाई के बयान का लुबे लुबाब है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी से पहले मैं मर्ज ईसियाँ यानी गुनाहों की बीमारी में इंतहा दर्जे तक मुबतला हो चुका था दिन भर मजदूरी करने के बाद जो रकम हासिल होती रात को उसी से अल्लाह शराब खरीद कर अयाशी करता शोर शराबा करता गालियां बकता और वालिदेन व आहले महल्ला को खूब तंग करता इसके अलावा में परले दर्जे का जुआरी और बदतरीन बेनमाजी भी था इसी गफलत में मेरी जिंदगी के कीमती अयाम जया होते रहे आखिरकार मेरे मुकदर का सितारा चमका हुआ यूं खुशकिस्मती से मेरी मुलाकात दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार इस्लामी भाई से हो गई। उन्होंने इनफिरादी कोशिश करते हुए मुझे मदानी काफिले में सुन्नतों भरे सफर की दी। उनके मीठे बोल ने कुछ ऐसा रंग जमाया कि मुझसे इनकार ना हो सका और मैं हाथों हाथ तीन दिन के मदानी काफिले का मुसाफिर बन गया मादानी काफिले में आशिकान रसूल की शहबत मिली और दावती इस्लामी के इशाती इधार मकतबतम के रसायल भी सुनने को मिले जिसकी यह बरकत हासिल हुई कि मुझ जैसा पक्का बेनमाजी शराबी जुआरी ताइब होकर न सिर्फ नमाज पढ़ने वाला बन गया बल्कि सदाए मदीना लगाने यानी फज्र की नमाज के लिए मुसलमानों को जगाने और दूसरों को मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाने वाला बन गया अलहमदल्ला सब अजल मेरी इनफिरादी कोशिश से तदम बयान तीस इस्लामी भाई मदनी काफिलों के मुसाफिर बन चुके हैं और इस वक्त मैं एक मस्जिद में मुअद्दीन हूं और मदनी कामों की धुमे मचाने की कोशिश कर रहा सलूम अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم